इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक के बावजूद रामपुर की कोसी नदी से अवैध खनन जारी रखने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात डीएम राकेश कुमार सिंह को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध खनन जारी था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। 2015 में जी, जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि वहाँ की इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसको रोक दिया जाए। एक रेस्पॉन्डेंट नंबर 9 है, वो गुलाम हुसैन, वो माइनिंग कर रहा था इलीगल। उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने आर्डर पीआईएल में किया था कि पूरा एक महीने के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, वो जितने इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो और उस इंक्वायरी का रिजल्ट एक महीने के अंदर आए और उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ जारी की जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अगेंस्ट में मकसूद ने दोबारा से पिटीशन फाइल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने बहुत सख्त व्यू लेते हुए दो डीएम राकेश सिंह और राजीव रौतेला को निलंबन के लिए रिकमेंड कर दिया है और सेक्रेटरी से हलफनामा मांगा एक महीने के अंदर कि प्रोसीडिंग क्या क्या हुई उनके खिलाफ, एक महीने के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ करिए और इंक्वायरी सेटअप करिए और एक महीने में हलफनामा ले आके लगाइए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमके गुप्ता की खंडपीठ ने मकसूद की जनहित याचिका पर फैसला दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इलाहाबाद से सैयद रजा, पंजाब केसरी टीवी। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।